नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से आज फिर पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने शुक्रवार को भी इस केस में आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। अब जानकारी मिल रही है कि जांच एजेंसी रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। दो तीन दौर की पूछताछ के बाद अब सीबीआई रिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है। सीबीआई को इसके लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी, साथ ही रिया से भी अनुमति लेनी होगी। चलिए आपको बता देते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है। पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। खासकर इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी अपराध का पता लगाना हो। पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन को झूठ पकड़ने वाली मशीन और लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले शुक्रवार को जांच एजेंसी ने रिया से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। शुक्रवार को पहली बार सीबीआई के सामने रिया पेश हुई थी, जिसके बाद रिया रात 9 बजे के बाद सांता क्रूज स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली थी। रिया चक्रवर्ती सुबह करीब 10 बजे अपने घर से इस गेस्ट हाउस के लिए निकली थी। इसी गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम ठहरी हुई है, जहां आज भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। बता दें कि रिया से पहले सुशांत के फ्लैट में उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां उनसे पूछताछ हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।